गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 के कोशिकांगों के बारे में। कुछ कोशिकांग हमारे बचे हुए हैं, जो बचे हुए कोशिकांग हैं आज हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। एक कोशिकांग जो हमारा बचा हुआ है उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसको कहा जाता है तारकाय। सेंट्रोसोम या तारकाय, बात करते हैं सबसे पहले खोजकर्ता की। तो देखिए, सेंट्रोसोम को खोजा गया, वैज्ञानिक जिनका नाम था वॉन बेंडन नामक वैज्ञानिक द्वारा तारकाय या सेंट्रोसोम को खोजा गया। बात करते हैं इसकी उपस्थिति कहां पाई जाती, क्या सेंट्रोसोम या तारकाय सभी प्रकार के सजीवों में पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारकाय केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ये केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में तारकाय का पूर्णतया अभाव होता है। अब बात करते हैं इसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है जो हमारे लिए आवश्यक है या अन्य किसी कार्य के लिए आवश्यक है। देखिएगा, एक जो तारकाय है उसमें दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। एक तारकाय है उसमें ये दोनों जो आप देख पा रहे हैं ये हैं तारक केंद्र, और ये तारक केंद्र विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। उन संरचनाओं का नाम दिया जाता है तर्कु तंतु। यानी तारक केंद्र तर्कु तंतु बनाते हैं। तर्कु तंतु कहाँ बनते हैं, जब किसी कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। और आप जानते हैं हरेक जो कोशिका है जो वृद्धि में सहायक है उसमें आवश्यक रूप से विभाजन की क्रिया होती है। कोशिका से बनेगा उत्तक, कोशिका से उत्तक कब बनेगा, जब कोशिका में विभाजन की क्रिया होगी। जब कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है उस दौरान उत्तक बनते हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होगी, इस विभाजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में तर्कु तंतुओं का अभूतपूर्व योगदान होता है। यानी तर्कु तंतुओं के कारण ही कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहां पे, जंतुओं में। जंतुओं में तारकाएं पाई जाती है जो कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का प्रारंभन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यानी इसकी हेल्प से तारकाएं की उपस्थिति के कारण ही कोशिका विभाजन होता है। ऐसा कब होगा, जब कोशिका में विभाजन की क्रिया होगी। तो दोनों जो तारक केंद्र हैं जो एक दूसरे से आप देख पा रहे हैं 90 राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित रहते हैं, तो इनकी व्यवस्था से ही तर्कु तंतुओं का निर्माण हो पाता है। तो ये था तारकाएं जो कि केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में तारकाय का अभाव होता है। अब अंत में एक और कोशिका हमारा रह गया है जिसको कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका वैक्यूल को कहते हैं। रिक्तिका पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादपों में भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और जंतुओं में भी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अंतर है लेकिन थोड़ा सा अंतर से पहले एक और बात कर ले। जैसे कोशिका पर झिल्ली पाई जाती है उसी तरह से रिक्तिकाओं पर भी झिल्ली पाई जाती है, और रिक्तिकाओं की झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की झिल्ली को हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट झिल्ली कहा जाता है जो कि रिक्तिकाओं के ऊपर पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं अंतर की। कैसे जो है रिक्तिका नाम एक ही है, जंतु कोशिका में भी है पादप कोशिका में भी है, अंतर कैसे आ गया है। देखिएगा, अंतर केवल आकार का है। मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया है जंतु कोशिका का, कैसे पता लगा जंतु कोशिका है, क्योंकि कोशिका पर जब एक ही आवरण हमें देखने को मिले, जब कोशिका पर केवल एक ही आवरण हमें देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका में जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्रक बिल्कुल बीचों बीच है। केंद्रक क्यों है बीचों बीच, क्योंकि जो रिक्तिकाएं हैं उनका आकार छोटा छोटा होता है, जिसकी वजह से केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में आ जाता है। ये जंतु कोशिका की संरचना है। अब हम देखें अगर किसी पादप कोशिका को, देखिएगा आपको समझ जाएंगे। मान लीजिए अपन किसी आकृति में बनाते हैं, हमने गोलाकार आकृति बनाई है, तो एक और आवरण आपको दिखाई देगा। यहाँ जो आवरण है वो आवरण है कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में एक और आवरण पाया जाता है जो सबसे भारी आवरण है, और उस आवरण को कहा जाता है कोशिका भित्ति। इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो आपकी उपस्थित होती है कोशिका झिल्ली।
ये आपकी होती है कोशिका झिल्ली। ओके, अब बात करते हैं केंद्रक किस तरह से व्यवस्थित होगा। देखिएगा यहाँ जो केंद्रक है थोड़ा सा परिधीय भाग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो गया परिधीय भाग की तरफ? क्योंकि जो रिक्तिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती है, जिसकी वजह से केंद्रक परिधीय भाग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको एक अंतर का पता लग गया होगा कि दोनों जो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिकाओं में केंद्रक है, दोनों कोशिकाओं में रिक्तिकाएं भी हैं, लेकिन आकार में अंतर के कारण केंद्रक की स्थिति में अंतर आ गया है। आकार में अंतर के कारण कोशिकाओं की जो है वो स्थिति में अंतर आ गया है। और आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये जो अंतर है, ये अंतर किसकी वजह से आया? कोशिका में जो रिक्तिकाएं हैं उनके आकार ने केंद्रक की स्थिति को व्यवस्थित कर दिया है। केंद्रक जो है अलग अलग हो गया है। अब जिस चैप्टर आपका जो 5 है कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कर लेने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर्स की PDF आपको मैं सेंड कर सकूं एक वीडियो बना के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।